के बाद विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से वे सीधे राबड़ी आवास पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई थी। इस दौरान विपक्षी एकता समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद आदित्य ठाकरे तेजस्वी के साथ सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। वहां भी करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सभी युवा नेता मजबूती के साथ बैठकर विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। आदित्य ने बीजेपी पर भी हमला बोला, तो वहीं तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करना हम सभी का पहला लक्ष्य है। पटना सलाह कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक बापू सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम सह सलाह प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव ने की। इस बैठक में पटना सलाह के विधायक, सांसद और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि पटना के विकास को लेकर चर्चा हुई है, तो वहीं रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। नीतीश कैबिनेट की बैठक 29 नवंबर को होगी। बैठक 4:30 पर मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी। बैठक में सभी मंत्री सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में भी पद सृजन को लेकर प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। साथ ही कई विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। पटना में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। डायल 112 गाड़ी पर तैनात एक दारोगा का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी वाले को डंडे से मारने की धमकी देने के साथ साथ हाजत में बंद करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि वर्दी पहनकर वह कुछ भी कर सकता है। देखना होगा अधिकारी पूरे मामले में कार्रवाई क्या करते हैं। पटना के परसा में कार और टेम्पो की सीधी टक्कर में एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने टेम्पो में सवार घायल लोगों को गाड़ी के अंदर से निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन में जुट गई है। इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर पटना में महिला से करोड़ों रुपए की ठगी मामले में पत्रकार नगर पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। FIR में महिला ने इस बात को इंगित किया है कि दाऊद इब्राहिम के गिरोह के नाम पर पैसे लिए गए और अपने बच्चों की सलामती को लेकर लगातार धमकी दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ के मड़ियाव थाना के खैला चौकी के पास जमकर मारपीट हुई। दो पक्षों में मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। बीच सड़क पर ही घंटों तांडव चलता रहा, लेकिन पुलिस नदारद रही। बताया जा रहा है कि फल की खरीदारी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ और इसके बाद मारपीट होने लगी। यह मामला मड़ियाव थाना क्षेत्र के खैला चौकी के पास की है। प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक आशुतोष कुमार को बिहार सरकार ने अगले आदेश तक फिर निलंबित कर दिया है। आशुतोष कुमार पर आरोप है कि हत्या जैसे आरोप में आरोपित रहने के बाद जेल से छूटने के बाद भी अनुशासनहीनता करना और आपराधिक कांड में शामिल होना दर्शाता है कि सरकार की बनाई गई नियम कानून का उन्होंने सीधे तौर पर उल्लंघन किया है। बेगूसराय में दिन में स्कूल में बच्चों के बीच हुई मामूली विवाद में बुधवार की देर शाम एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरदासपुर चौकी है। मोहम्मद फिरदौस की मौत के बाद परिजन शव को लेकर गुरदासपुर चौक पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही DSP रविंद्र मोहन प्रसाद और मंसूरचक थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना के बाद आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बेगूसराय में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस टीम पर हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। बिरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के दामोदर नाथ महादेव मंदिर के कुआं में एक शव बरामद हुआ है। शव की पहचान जरीडी बाजार के परमजीत छाबड़ा के रूप में की गई है। गांधीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कुएं से निकाला। जानकारी के अनुसार वह महिला डिप्रेशन की शिकार थी, सुबह से अपने घर से लापता थी, जिसको लेकर परिजनों ने गांधीनगर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह मिथिलांचल के दौरे पर गए। RCP सिंह के लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा कि RCP सिंह कौन सी पार्टी के लिए दौरा कर रहे हैं, पहले वो पार्टी का निर्णय ले और अपनी पार्टी बना ले। वहीं फातमी ने RCP सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह घूमने से अच्छा है वे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र से जूट लदे ट्रक में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मौके पर हिरनपुर पुलिस पहुंचकर अग्निशमन वाहन की मदद से आग बुझाई। हालांकि आग किस कारणों से लगी है यह पता नहीं चल सका है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के प्राइवेट बैंक कर्मी से 1,20,000 लूट लिया गया। दो बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर बैंक कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन करने में जुटे हुए। जख्मी बैंक कर्मी को जख्मी अवस्था में रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी शेफुल हक के निलंबन अवधि को राज्य सरकार ने 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब 24 मई 2023 तक शेफुल हक निलंबित रहेंगे। शेफुल हक पर सरकारी पद पर रहने के दौरान रिश्वत मांगने, अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को धमकाने की शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच की थी। झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मंत्री चंपई सोरेन, विधायक स्टीफन मरांडी, दीपक बिरुआ, विकास सिंह मुंडा, नमन विल्सन कुंगारी, राजेश कक्षप, शिल्पी नेहा तिर्की और परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी TSC की बैठक में आरक्षण समेत कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के तीसरे दिन छात्र संसद का आयोजन। इस छात्र संसद में राज्य के सभी 24 जिलों से एक एक प्रत्याशी का चयन। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र में जूट लदे ट्रक में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जेडीयू जिला संगठन का चुनाव संपन्न हो चुका है। पार्टी की तरफ से नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि कई शहरों का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। दरभंगा नगर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर नगर, बेगूसराय नगर का जिलाध्यक्ष का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। बाकी जगहों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को होगा। 26 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया होगी। नवादा पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नारदीगंज प्रखंड में स्थित मोतनाजे में जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को बेहतर ढंग से उद्घाटन की व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने यूटिलिटी भवन का भी निरीक्षण किया, जहां गंगा जल को फिल्टर किया जाता है। बता दें कि जल शोधन संयंत्र का काम पूरा हो चुका है। इस संयंत्र के उद्घाटन के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है। लखनऊ मेट्रो का सेकेंड कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा। लखनऊ के पॉश इलाकों से मेट्रो को कनेक्ट किया जाएगा। दरअसल लखनऊ मेट्रो के रूट मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। चारबाग रेलवे स्टेशन से बसंत कुंज तक मेट्रो दौड़ेगी। चारबाग मेट्रो स्टेशन से लेकर बसंत कुंज तक 11 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की पटना टीम ने जिला उद्योग केंद्र बेला में उद्योग विस्तार पदाधिकारी को 20,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग के DSP ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए देने की जो योजना है, उसके तहत पहली किस्त दे दी गई थी। दूसरी किस्त के एवज में घूस मांगी जा रही थी, जिसका सत्यापन किया गया, जिसके बाद रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया है। भागलपुर में घोरघट खड़िया रेलवे हॉल्ट के पास बैंक कर्मी से 1,20,000 रुपए अपराधियों ने लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक कर्मी को गोली मार दी, जिससे कि बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी पैसा कलेक्शन कर वापस लौट रहा था, तभी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घोरघाट पुल के समीप अपराधियों ने उनसे पैसा छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दी। घायल बैंक कर्मी का इलाज सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल बैंक कर्मी खतरे से बाहर है। भागलपुर से खबर, जहां पर बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में CBI ने मुख्य आरोपी रजनी प्रिया और अमित कुमार के कई ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाया। बता दें कि CBI की टीम पटना से भागलपुर पहुंची, जहां पर तिलका मांझी थाना क्षेत्र के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के अलावा कई ठिकानों पर इश्तेहार चिपकाया गया। अब तक 5 जगहों पर इश्तेहार चिपकाया गया है। CBI की टीम ढोल नगाड़े के साथ पहुंची थी। लोगों ने इससे CBI की टीम ने अपील किया कि अगर कहीं भी दिखे तो स्थानीय थाने में सूचित करें। बेरमो में श्रमिक यूनियनों में भयंकर खींचतान चली है। वर्चस्व की जंग सदस्यता अभियान को लेकर है, जो लगता है कि वक्त के साथ ये और बहुत बड़े बवाल का रूप लेगा। इस तस्वीर को देख आपको लग रहा होगा कि ये दोस्तों के बीच आपसी बहस हो रही है, लेकिन आप मुगालते में हैं। ये अलग अलग श्रमिक यूनियन के नेता है जो आपस में ही लड़ रहे हैं, जहाँ तहजीब चारू खाने चित है और मर्यादा को लांग दी गई है। इस बवाल की वजह श्रमिकों की सदस्यता है, जिस पर टूटू मैमे हो रही है। लोहिया स्वच्छता अभियान 2 के तहत जिले के डुमरावन मंडल क्षेत्र अंतर्गत लाखन डिहरा पंचायत में कचरा प्रबंधन इकाई का उद्घाटन जिलाधिकारी अमन समीर ने फीता काटकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कचरा प्रबंधन दिन प्रतिदिन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। शहरी इलाकों में कचरा प्रबंधन के लिए कई तरह की इकाइयां कार्यरत है। इस तर्ज पर गाँव में भी पंचायतवार कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना की जा रही है। आने वाले समय में जिले के हर पंचायत में इस तरह की इकाइयों की स्थापना होगी। फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। SDF और महाराष्ट्र पुलिस ने मेरठ से आरोपी शाहनवाज उर्फ शानू की गिरफ्तारी की। 9 जुलाई 2016 में
हत्याकांड को अंजाम दिया था। बर्थडे पार्टी में चार लोगों ने हत्या कर शव फेंका था। दो लोगों की आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की पटना टीम ने सिला उद्योग केंद्र बेला में उद्योग विस्तार पदाधिकारी को 20,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग के डीएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10,00,000 रुपए देने की जो योजना है उसके तहत पहली किस्त दे दी गई थी, दूसरी किस्त के एवज में घूस मांगी जा रही थी जिसका सत्यापन किया गया, जिसके बाद रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया है।